इनके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटेस्ट खबरें व आदेश। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर ले सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। का नाम उज्जैन नहीं है, ये उज्जैनी है, उत्कर्ष की नगरी, और ये जैन परंपरा को भी मानने वाली नगरी हजारों हजार साल से, और केवल एक जगह नहीं। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमारे अपने पूरे दर्शन को, भारतवर्ष के दर्शन को कोई समझेगा तो वो हमारे इस जैन धर्म की, भगवान महावीर स्वामी की, सभी तीर्थंकरों की, हमारी वो उज्जवल परंपरा को पालन करने वाला हमारा भारतवर्ष है, जिनके कारण से कभी कोई ये समझेगा तो उसको कठिन जाएगा। कोई भी देश अपने अस्तित्व को लेके जब आगे बढ़ता है तो वो हमेशा मार्ग से भटकने के उसके एहसास होते हैं, और मार्ग से भटकने के कारण क्या होते हैं, जब देश अपनी उन्नति करता है, प्रगति करता है, समर्थ बनता है, सक्षम बनता है, तो सक्षम समर्थ बनते ही उसकी दिशा भटकने के रास्ते चालू होते हैं। वो रास्ते कैसे निकलते हैं, वो अपनी सीमा उल्लंघन करता है, दूसरे पे आक्रमण करके उसको अपने देश के अधीन बनाना चाहता है, दूसरे पे आक्रमण करके वो अपनी संस्कृति को लादना चाहता है, दूसरे को मिटा करके वो अपनी ताकत को दिखाना चाहता है। ये कई कई देशों में हजारों हजार साल से ये परंपरा चलती है। जब कोई भी ताकत बनती है, कोई शक्ति बनती है, तो शक्ति की परीक्षा इसी बात में है कि वो सहअस्तित्व का भावना लाती है या वो शक्ति का दुरुपयोग की तरफ बढ़ती है। मुझे गर्व है, हमारा देश हमेशा अपनी शक्ति का सदुपयोग करने की दिशा में बढ़ता है, और उस भाव में हमारा दर्शन छिपा हुआ है। क्षमा की बात जब आएगी तो क्षमा हमेशा आमतौर पर थोड़ा सा उसका रूप दुनिया में अगर दिखाई देगा तो छोटे आदमी हाथ जोड़ते दिखाई देते हैं, जो समर्थ है, सक्षम है, वो तो इतने अहंकार में रहते हैं कि ठीक से हाथ जोड़ने वाले की तरफ आंख उठा के देखते भी नहीं, उसकी तरफ अपनी तरफ से उसको ऐसा एहसास कराते कि वो हाथ जोड़ने वाला हीनता से ग्रसित हो जाए। उसके मन के भाव को समझने के बजाय ये अहंकार और विनम्रता के बीच का जो परस्पर अंतर है, सच्चे अर्थों में यहीं आकर के हमारी अपनी दृष्टि का बदलाव चाहिए। और ये जब छोटा आदमी बड़े आदमी के प्रति क्षमा का भाव रखे वो तो समझ में आता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटे के प्रति विनम्रता धारण करे तो वो वीरता की श्रेणी में आता है, और ये वीरता का मार्ग दिखाने वाला दर्शन है। सच्चे अर्थों में वीर से महावीर का मार्ग अगर कोई है तो यह हमारी क्षमावाणी पर्व का आयोजन है, यह हमको गौरवान्वित करता है। जो समर्थ है, शक्तिशाली है, शक्ति संपन्न है, उसके अंदर भी यह संस्कार आ जाए, ये संस्कार हमको अपनी धाराओं से मिलता है। इसलिए हमारे चाहे दिगंबर समाज का हो, चाहे श्वेतांबर समाज का हो, अभी मैं तालमेल मिलाने का प्रयास कर रहा था, ये बड़ा आनंद का विषय, थोड़ा विनोद का जरूर हो सकता है। जब हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्षमा पर्व में उत्तम क्षमा से अपना मार्ग उनने शब्द बोला तो मुझे लगा दिगंबर समाज की धारा को उनने पालन किया, और जब प्रधानमंत्री मिच्छामि दुक्कड़म कहा तो ये दोनों धारा मिलाने का काम हुआ, ये आनंद आया है। सागर में मेडिकल कॉलेज जो खुलने वाला, उसकी मंजूरी आ गई है, आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर हमने इस मेडिकल कॉलेज को रखने की घोषणा की। एक चीज की जरूर घोषणा करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, और विधानसभा चुनाव के पहले हमने एक संकल्प लिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जैन कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे, तो मैं आज उस जैन कल्याण बोर्ड के गठन करने की घोषणा करता हूं। एक और घोषणा कर रहा हूं, हमारे बिहार के दरमियान हमारे मुनिगण, आचार्यगण, साधु संत जब भी किसी स्थान पर नगरी निकाय के या पंचायत के क्षेत्र से गुजरेंगे
और कोई शासकीय भवन की अगर उनको आवश्यकता लगेगी शासन निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, सर्वोच्च प्राथमिकता से उपलब्ध कराएगा।